आज से लाखों साल पहले धरती पर पाई जाने वाली मेगालोडॉन शार्क धरती के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मछली थी। वैसे तो इस शार्क ने धरती पर लगभग 2.3 करोड़ सालों तक राज किया और ये आज से 36 लाख साल पहले धरती से विलुप्त भी हो गया था। लेकिन हाल ही के सालों में हुई कई वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक ये शार्क आज भी समुद्रों की गहराइयों में मौजूद है। पिछले कुछ सालों में हुई कई स्टडीज में इस खतरनाक शार्क के जिंदा होने के सबूत मिले हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे ही सबूत जो साबित करता है कि मेगालोडॉन शार्क आज भी जिंदा है। नंबर 10, फॉसिल फाइंड्स। साइंटिस्ट जब भी कभी किसी विलुप्त जीव पर स्टडी करते हैं तो उनके पास उनकी स्टडीज के लिए जो सबसे कारगर तरीका होता है वो है उस जीव के फॉसिल्स यानी जीवाश्मों पर स्टडी करना। मेगालोडॉन पर स्टडी करते वक्त इनके दांत वैज्ञानिकों को उनकी रिसर्च में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि मेगालोडॉन के दांत इनके लाखों साल पहले विलुप्त होने के बावजूद आज भी बिल्कुल सही सलामत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शार्क टूथ हिल नाम की भी एक जगह है जहां पर रिसर्चर्स को अक्सर खुदाई के वक्त इस मेगालोडॉन के दांत मिलते रहते हैं। साल 1875 में इसी तरह की खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को मेगालोडॉन का एक ऐसा दांत मिला जिसके ऊपर कार्बन डेटिंग करने पर ये पता चला कि ये दांत महज 10,000 साल पुराना ही है, जिसका मतलब है कि आज से कई मिलियन साल पहले धरती से विलुप्त हो चुकी मेगालोडॉन शार्क पिछले 10,000 साल पहले तक समुद्रों की गहराइयों में मौजूद थी। नंबर 9, द सी ऑफ कॉटेज। जुलाई 2008 को एरिक मैक नाम का एक लोकल फिशरमैन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मछली पकड़ने जाता है। वो अपना बोट लेकर किनारे से थोड़ा आगे ही जाता है कि तभी उसे समुद्रों में एक ऐसा विशाल जीव दिखता है जिसके बारे में बताते हुए वो कहता है कि थोड़ी दूर चलते ही उसकी बोट एक बहुत बड़ी शार्क से टकरा जाती है। ये शार्क इतनी बड़ी थी कि पानी से बाहर निकाली हुई उसकी पूंछ के एक छोटे से हिस्से की लंबाई भी 5 फीट थी। अगर बात उस शार्क की पूरी लंबाई की करे तो लंबाई में 60 फीट से भी ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर ये फिशरमैन यहाँ पर सच बोल रहा था तो इसका मतलब है कि ये शार्क एक नॉर्मल शार्क के मुकाबले 3 गुना बड़ी थी, और इतनी बड़ी शार्क सिर्फ मेगालोडॉन ही हो सकता है। इस इलाके में रहने वाले कई लोकल लोग भी इस तरह का दावा करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि अक्सर इन किनारे पर एक ऐसी शार्क दिखाई देती है जो साइज में नॉर्मल शार्क से काफी बड़ी होती है। इस शार्क को यहाँ के लोग ब्लैक डेमन यानी काले दानव के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लैक डेमन कोई दूसरा समुद्री जीव है या फिर मेगालोडॉन, इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 8, द मरियाना ट्रेंच। 11,000 मीटर गहराई वाला मरियाना ट्रेंच धरती की अब तक की सबसे गहरी और रहस्यमय जगह है। साइंटिस्ट आज भी 36,000 फीट गहरी इस ट्रेंच के महज 700 फीट गहराई तक के हिस्से को ही डिस्कवर कर पाए हैं, जो ये बताता है कि हम इंसान आज भी इसके बहुत बड़े हिस्से के बारे में अनजान है। और इसीलिए कई रिसर्चर्स का मानना है कि मरियाना ट्रेंच में ऐसे ऐसे समुद्री जीव है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा है तो उसके लिए मरियाना ट्रेंच इंसानों से छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है जिससे कोई भी सबमरीन या फिर कैमरास इतनी गहराई तक नहीं जा सकता। नंबर 7, ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड रिकॉर्डिंग। 2012 में ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की एक टीम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान ये टीम पूरे घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। कुछ समय तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सही चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क को देखते हैं। बहुत बड़ी से हमारा मतलब है लगभग 60 फीट लंबी शार्क। ये शार्क इनके कैमरा में भी कैद होती है। इस वीडियो फुटेज में हाइलाइटेड एरिया में आप इस शार्क को देख सकते हैं। इस वीडियो को इंटरनेट पर रिलीज करते ही ये वायरल हो गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने इस वीडियो को फेक कहा, लेकिन बाद में जब इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ये पाया गया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल था। वीडियो काफी ऊंचाई से शूट किया गया था, इसीलिए क्लियरली तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सा जीव है। लेकिन अगर ये शार्क है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। नंबर 6, द केप टाउन क्रीचर। साल 1942 में फोटोग्राफर्स की एक टीम ने केप टाउन के समुद्र में एक ऐसे फोटोग्राफ को कैप्चर किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इन फोटोज में एक सबमरीन के पास शार्क के फिन्स को देखा जा सकता है। इन फोटोज को जब पहली बार देखा गया तो सभी को तो ये नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में जब कुछ मैथमेटिशियंस ने इस फोटो में मौजूद फिन्स को सबमरीन के साथ तुलना करके कैलकुलेशन की गई तो ये पता चला कि ये शार्क लगभग 64 फीट लंबी रही होगी, जो कि आज के समय धरती पर मौजूद सबसे लंबी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क की एवरेज लंबाई से भी 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। नंबर 5, शार्क ऑन बीच। अब जो आपको अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा है ये मेक्सिको की एक बीच का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बहुत बड़ी शार्क तेज लहरों के साथ बहकर किनारे तक आ गई है। जब पहली बार इस शार्क को देखा गया तो कुछ लोगों को तो ये नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में जब इसकी
लंबाई का पता किया गया तो सभी हैरान हो गए। ये शार्क 40 फीट लंबी थी, जो एक आम शार्क की लंबाई से भी दोगुनी है। इस वीडियो को इंटरनेट पर आने के बाद कई लोगों ने इसे झूठा भी कहा, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल रियल है। लेकिन ये शार्क मेगालोडॉन है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, द कटेड व्हेल। ये वीडियो एक फिशरमैन ने समुद्र में मछली पकड़ते हुए रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह समुद्र के किनारे एक ऐसी व्हेल पड़ी हुई है जिसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह काटा हुआ था। सुनने में आपको ये बात भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन ये व्हेल लगभग 70 फीट लंबी है और इसे किसी समुद्र जीव द्वारा काटा गया था। इतनी लंबी व्हेल को किसी समुद्र जीव द्वारा काट पाना लगभग नामुमकिन था। इस वीडियो पर वैज्ञानिकों ने जब और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इस व्हेल के शरीर पर बहुत बड़े दांतों के निशान थे और इस पर सिर्फ एक ही हमला हुआ था और सिर्फ उसी हमले में इसकी इतनी बुरी हालत हो गई। ये व्हेल लंबाई में इतनी बड़ी है कि अगर इस पर कोई नॉर्मल समुद्र जीव हमला करने की कोशिश करे तो उसके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। अगर इस व्हेल पर सिर्फ एक ही हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि इस पर जरूर किसी ऐसे जीव ने हमला किया होगा जो आकार में इससे कई गुना बड़ा है और इतने बुरे तरीके से किसी व्हेल को मेगालोडॉन शार्क ही मार सकता है। नंबर 3, द रैंडम शॉकिंग फाइंड्स। 1952 में जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है तो उसे अपने जाल में एक ऐसी मछली मिलती है जिसे वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो इस अजीब सी दिखने वाली मछली को साइंटिस्ट को दे दिया जाता है। वैज्ञानिक जब इस फिश पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोयलकंद फिश है जो आज से कई लाख साल पहले डायनासोर के समय ही धरती से विलुप्त हो चुकी थी। इस मछली के मिलने के बाद जब रिसर्चर्स द्वारा समुन्द्र में गहराई तक रिसर्च की गयी तो उन्हें पता चला कि समुन्द्र के एक बहुत ही गहरे हिस्से में इस तरह की और भी कई फिशेज आज भी जिंदा है। कुछ इसी तरह साल 1976 में एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्रों की गहराइयों में मेगामाउथ शार्क नाम की इस मछली को भी ढूंढ निकाला था, जिसे आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब इन सभी विलुप्त हो चुकी मछलियों के दोबारा मिलने से वैज्ञानिक इस बात की संभावना जताते हैं कि शायद मेगालोडॉन भी हम इंसानों की नजर से समुद्रों की गहराइयों में कहीं रहती होगी। नंबर 2, द ऑस्ट्रेलियन शार्क। समुद्र इतना गहरा है कि हम इंसान आज भी इसके एक बहुत बड़े हिस्से से अनजान है और इसी अनजान हिस्से को डिस्कवर करने के लिए वैज्ञानिक टाइम टू टाइम ऐसे तरीके ढूंढता रहता है जिससे समुद्रों में जितनी हो सके उतनी गहराई तक पहुंचा जा सके। कुछ इसी तरह का एक तरीका ऑस्ट्रेलियन डाइवर की एक टीम ने भी निकाला था। ये लोग एक बड़े से पिंजरे की मदद से समुद्र के उस हिस्से में गए जहां पर अब तक बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो सकी थी। यहां पहुंचने पर इन लोगों का सामने एक ऐसे शार्क से होता है जो लंबाई में काफी बड़ी थी। ये द ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह ही दिखती थी, मगर ये ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं था। बाद में इस शार्क के बारे में ये अंदाजा लगाया गया कि ये जरूर मेगालोडॉन शार्क ही होगी, और अगर ये मेगालोडॉन नहीं थी तो इसका मतलब है कि इन ऑस्ट्रेलियन डाइवर्स ने शार्क की एक ऐसी प्रजाति खोज कर ली थी जिससे हम आज तक अनजान थे। नंबर 1, अनएक्सप्लोर्ड ओशन। भले ही हम इंसानों ने आज हमारी धरती पर मौजूद जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया हो, लेकिन हम आज भी धरती के समुद्रों के सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। भले ही आज हम समुद्र के बारे में कम जानते हैं, लेकिन आज हम जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी में ग्रोथ कर रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले महज कुछ ही सालों में हम समुद्र के एक बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर चुके होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक भविष्य में जब हम इंसान समुद्र में और गहराई तक जाएंगे तो हमें वहाँ पर ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि इन जीवों में हमें मेगालोडॉन भी मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें इस दौरान कोई ऐसा जीव मिले जो मेगालोडॉन से भी बड़ा हो। भविष्य में क्या होगा ये तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हम इस मेगालोडॉन शार्क को ढूंढने में कामयाब होंगे। तो मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बारे में आपकी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।